यदि कमी है मनोज जी कहाँ हैं? ये नहीं आ गए माता की जय। भारत माता की जय। श्री मान अशोक कपूर जी आज का ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में सेना पर लगातार पत्थरबाजी जो हो रही है उसके विरोध में आज का यह प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर या सेना में अन्य प्रांतों के अंदर भी जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके विरोध को भी लेकर आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ में सुकमा में जो नक्सलवादी घटना हुई जिसमें अपने आर्मी के 25 जवान शहीद हुए और कल परमजीत जी और प्रेम सागर जी हम सब सीमा पर आक्रमण करके हमारे सैनिकों का बलिदान ही नहीं करते
बल्कि इनका छप भी सदविचित्र करते हैं। मुझे ध्यान है कि आज जिस प्रकार से हम एकत्र होकर यहाँ सैनिकों के समर्थन के लिए आए हैं, जिस दिन ये कार्यक्रम तय हुआ था उस दिन यह स्पष्ट हो गया था कि जो पत्थरबाज है ये पाकिस्तान के पैसे के बल पर देश की सेना के खिलाफ लगातार आक्रमण कर रहे हैं। पहले तो केवल छुटपुट घटनाएं होती थी, चल रही होती है, उनकी जान की बाजी लगी होती है, उस समय पीछे से ये पत्थरबाज आक्रमण करते हैं। तो ये पत्थरबाज उन आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, सेना के साथ विद्रोह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। जब हम सैनिक जीप में वहां के पत्थरबाज को बांधता है, उस पर लिखता है कि अब कोई पत्थर मारो, जीप के आगे बांधा था उन्होंने, गिरकर उसको चोट न लग जाए इसलिए बांध कर ले जा रहे थे। किसी भी पत्थरबाज ने एक भी पत्थर नहीं चलाया। मानवाधिकार वाले रोने लगे, ये कैसा काम है कि स्थानीय नागरिक को जो बिल्कुल भी अपराध नहीं किया है, बहुत ही शांत प्रिय है, उसको सेना के लोगों ने ऐसा बांध कर किया है, ये यहाँ के नागरिकों का अपमान है। सारा मानवाधिकार नहीं, इस देश के अनेक मानवाधिकारी लोग, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हराम रहने वाले लोग उसके साथ रोने के लिए खड़े हो गए। सेना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेना का मन बनता है कि सैनिक ने गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस दिन विचार करते मन में गुस्सा आया था कि एक ऐसा देश की परिस्थिति है, किले में खड़े होकर बजरंग दल के लोग सेना के सम्मान में इन मानवाधिकार विरोधी, इन मानवाधिकारी लोग और ये आतंकवादी लोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस देश की शासन से मांग करी। सेना के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। आपको ध्यान में होगा श्रीनगर में अभी अभी उपचुनाव समाप्त हुआ, वहां से फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीत गए हैं। यह उपचुनाव क्यों कराना पड़ा था? यह उपचुनाव कराना पड़ा था तारिक हामिद कारा के त्याग पत्र देने के कारण से। यह कौन था तारिक हामिद कारा? यह पीडीपी का सांसद था जिसने बुरहानबारी के मुठभेड़ में मृत्यु के बाद कहा था कि यहाँ की सेना श्रीनगर की जनता के खिलाफ अत्याचार कर रही है और ये पीडीपी सरकार इस सेना के साथ साथ दे रही है, इसलिए सरकार का विरोध करते हुए इस सांसद ने बुरहानबाजी के समर्थन में त्याग पत्र दिया था। सेम आज वो तारिक हामिद कारा कांग्रेस पे जुड़ जाता है, वहां चुनाव होता है, फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीतते हैं, प्रश्न खड़ा होता है कि कौन आतंकवादियों के साथ है, कौन आतंकवादियों के विरोध में है, उन सैनिकों के साथ में खड़ा होगा, कौन सरकार को मजबूर करेगा कि सेना को खुला हाथ देना चाहिए, इस सेना को खुला हाथ देकर उनके समर्थन में खड़े होकर सेना को आह्वान करते हैं कि वो समय आ गया है, आज सत्ता आपके हाथ में है, शासन आपके हाथ में है, शक्ति आपके हाथ में है। तभी आप बाहर रहकर कहते थे एक सर कटेगा दस लाएंगे, आज तो शक्ति आपके हाथ में है, हमारे दो सर कटे हैं, 200 सर चाहिए, तब तक ये भारत का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मानवाधिकार करने वाले हैं, महोदय आप हमारे सेना के प्रमुख हैं, आप सेना को आह्वान करिए, सेना को अधिकार दीजिए कि हम किसी भी कीमत पर इस प्रकार का आह्वान करें, सेना को अधिकार मिले, इन राष्ट्रद्रोही के खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे विश्वास है कि सेना को एक बार अपने अधिकार दिया तो सेना सब कुछ करने में सक्षम है। कल भी हमने देखा है सेना ने घुस कर मारा है, एक बार इनको अधिकार तो दीजिए, इस पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए ये भारत की सेना तैयार है। आज संपूर्ण भारत देश में सभी जिला केंद्रों पर सैनिकों के सम्मान में ये बजरंग दल का प्रदर्शन हो रहा है। देश के कोने कोने की तरुणाई सेना के साथ खड़ी है, सेना का अपमान
किसी भी कीमत पर बजरंग दल नहीं सहेगा। ये पत्थरबाज, ये मानवाधिकारवादी लोग जो सेना के विरोध में खड़े होते हैं, ऐसे सेना के विरोध में खड़े होने वाले लोगों पर आतंकवादियों जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी आतंकवादी घटनाएं रुकेंगी। संपूर्ण भारत वर्ष के सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन चल रहा है, संपूर्ण भारत वर्ष के सभी स्थान पर यह प्रदर्शन चल रहा है, सभी जगह से राष्ट्रपति मोदी को ज्ञापन दिया जाएगा। जय श्री राम। ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे, सभी कार्यकर्ता भी मार्च भी करेंगे, कोई कार्यकर्ता जाएगा नहीं। राष्ट्रपति महोदय सेना को खुला अधिकार दे ताकि सैनिक कार्रवाई के द्वारा इन आतंकवादियों से ठीक से निपटा जा सके। राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं है सीधे सेना के प्रमुख वहाँ राष्ट्रपति है उनको मांग पत्र देने वाले। मनोज जी ये आप लोग किस चीज को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं? हम लोग सेना के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए यहाँ जा रहे हैं। आप ममता बनर्जी जिस ढंग से माइनॉरिटी को लेकर के बांग्लादेश के शरणार्थी को बंगाल में जिस तरह से बसा रही है उसको आप किस तरह देखेंगे? ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की नीति का हमने हमेशा विरोध किया है और करते रहेंगे। करोड़ों शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में आ चुके हैं, बंगाल में आ चुके हैं। हमारी स्पष्ट मांग है बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। अरे एक दो फोटो मार लो ना। कि भारत सरकार इसके खिलाफ सबसे बड़े से बड़ा कदम उठाए, पाकिस्तान के अंदर जाके किसी भी तरीके का बदला लेना पड़े उसके लिए हम उनके साथ में हैं। ये सरकार को एक चेतावनी भी है। जिस तरह से विपक्षी दल के लोग इन माइनॉरिटी को लेकर के और कहीं ना कहीं पत्थरबाजी को लेकर के समर्थन में आती है, हम इसके हक में नहीं है। कोई अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए। इस देश का अंदर रहने वाला हर व्यक्ति समान नागरिक है, उसको किसी धर्म किसी मजहब के द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए। ये अल्पसंख्यकवाद से इस देश का कोई भला नहीं होगा, उनका भी विकास, वो हमारे साथ चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। है ब्रिजमोहन सेठी
प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। सर एक चीज बताइए, जिस ढंग से पूरे देश में जो विपक्षी पार्टी है लगातार केंद्र सरकार को घेरती रही, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो विपक्षी दल उनका काम जो है वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में बार बार खड़े होते हैं। इन आतंकवादियों का समर्थन करने वालों पर भी आतंकवादी निरोधी कानून में कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ममता बनर्जी जिस ढंग से माइनॉरिटी को हमेशा आगे किया है, वहीं बांग्लादेश में करोड़ों माइनॉरिटी बांग्लादेश से आ चुके हैं, नेपाल के वास्ते से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत पे एक दबाव बढ़ रहा है, इससे को लेकर क्या कहेंगे? बांग्लादेशी घुसपैठ रोकनी चाहिए, हमने पहले भी मांग की है। वहाँ पर सीमा पर बाढ़ लगनी चाहिए, फिनिशिंग होने के बाद गड़ाई रुकेगी। जो घुसपैठिए भारत में घुसे हैं उनको भारत से निकलना चाहिए, तुष्टिकरण नीति से बाहर निकलकर सैनिक को कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार महिला तुष्टिकरण को लेकर के जिस ढंग से बजट की घोषणा बंगाल में करती है उसको, और उनका कहना है कि बीजेपी या कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार बंगाल पे अब कब्जा करना चाह रही है, हम केंद्र पे कब्जा करेंगे। सत्ता में कौन रहेगा ये नहीं रहेगा ये बहुत बड़ा विषय हमारा नहीं है। हमारा तो स्पष्ट राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण करने की कोशिश करेगा तो उसके समर्थन में, सेना के समर्थन में यहाँ का युवा खड़ा रहेगा।